अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊं तो तुम्हारे फोन की भी। हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल पर। तो दोस्तों, आज हम बात करेंगे आपके DLED BTC तृतीय सेमेस्टर रिजल्ट 2019। तो दोस्तों, आज आपकी हो चुकी है 19 अगस्त 2019 के हम बड़ी अपडेट्स देखेंगे। और दोस्तों, आज आपके वेबसाइट का हम लाइव टेस्ट भी करने वाले हैं कि आपकी वेबसाइट सच में चल रही है या बैठी है या कुछ नहीं हो रहा है। ठीक है, अभी दोस्तों हम आपको दिखा देंगे कि आपके वेबसाइट का लाइव टेस्ट होने वाला है, जिस पर आपका रिजल्ट आ चुका है। देखिए दोस्तों, आपका रिजल्ट अब डाउनलोड हो रहा है, जल्दी देखें। जी हाँ दोस्तों, हमने खुद ही कम से कम नहीं तो 15 से 20 रिजल्ट अभी डाउनलोड किया है। तो मतलब साफ है दोस्तों कि आपका रिजल्ट डाउनलोड होना शुरू हो चुका है। तो उसके लिए अब आपको परेशान नहीं होना, जो कल से आप लोग काफी परेशान हुए, नहीं चली वेबसाइट। अब दोस्तों देखिए, जो बच्चे अपने रिजल्ट देख चुके हैं वो आगे की तैयारी कैसे करें उसको भी देखेंगे। सबसे पहले दोस्तों, हम आपको आपकी वेबसाइट का लाइव टेस्ट करके दिखाने वाले हैं। पहले दोस्तों चलिए उसको देखते हैं। तो दोस्तों चलिए, आपके सामने हम लाइव टेस्ट कर रहे हैं कि आपकी वेबसाइट कैसे चल रही। तो दोस्तों देखिए, हमने अभी रिफ्रेश किया तो आपके सामने कुछ ऐसा वेबसाइट का पेज खुल रहा है। तो कभी कभी दोस्तों देखिए, वेबसाइट का पेज पूरा नहीं खुल पाता, तो आपको यहाँ सिलेक्ट सेमेस्टर में ठंड करना, रोल नंबर आपको फिल कर देना है। उसके बाद दोस्तों दोबारा हम रिफ्रेश करके चेक करते हैं, अदर टैब पर नहीं खुल रहा। देखिए दोस्तों, सेम लिंक वही है लेकिन खुलता नहीं है। तो मतलब दोस्तों साफ है कि अगर आप जब तक बार बार प्रयास नहीं करेंगे, कोशिश नहीं करेंगे, आपका ये टैब नहीं खुलने वाला। जी हाँ दोस्तों, आप लोग को करना क्या है, कंटिन्यूस से आपको ट्राई करते रहना है, जिससे कि आपका रिजल्ट सबसे पहले खुल सके। ठीक है, आप लोग को दोस्तों लगातार ट्राई करते रहना है। देखिए हम फिर से आपके सामने ट्राई कर रहे हैं, 3 से 4 टाइम में खोलने की कोशिश करते हैं कि कोई ना कोई टाइम में आपका मतलब रिजल्ट वाला बार खुल जाए। ठीक है, आइकन खुले। तो दोस्तों इस समय देख रहे हैं हर जगह आपका फील्ड नजर आता हुआ दिख रहा होगा, उस समय देखिए खुल गया था। तो मेन बात दोस्तों कहना है, हम ये चाहते हैं कि आप जितनी बार कोशिश करेंगे उसमें से कोई ना कोई बार आपको सफलता जरूर मिलेगी, नहीं तो दोस्तों आप लोग बैठे रहेंगे, कुछ नहीं होने वाला। देखिए दोस्तों, जबकि यहाँ का इंटरनेट बहुत अच्छा चल रहा है, सब कुछ सही है, खाली लेकिन यहाँ लिख के तब भी आ रहा है। तो कोशिश दोस्तों आपको करते रहना है। देखिए होता क्या दोस्तों, ये साइड बीच बीच में 1 से 2 सेकंड के लिए अप होती है। अगर आपने उसी 2-4 सेकंड में या 1 मिनट में अपना रिजल्ट देख लिया तो अच्छा है, नहीं तो दोस्तों फिर आप लोग कोशिश करते रहिए। ठीक है, देखिए मल्टीपल टैब में हम ट्राई कर रहे हैं, आपके सामने लाइव है सब। आपको दोस्तों खाली रिफ्रेश करते रहना है पेज, जैसा हमने आपको बोला बार बार, रिलोड रिफ्रेश जो भी आपके सामने शो हो रहा हो वो करते रहेंगे दोस्तों। तो आप लोग डेफिनेटली अपना रिजल्ट अगले 10 से 15 मिनट के अंदर दोस्तों देख लेंगे। जब वीडियो आप देख रहे हो दोस्तों, कोशिश आपको करते रहना, मेन बात यही है। आप दोस्तों जब कोशिश ही नहीं करते तो आपको जीत कैसे हासिल होगी। ठीक है, देखिए दोस्तों इसमें सारे पेज में लोडिंग चल रही है, अब उम्मीद है दोस्तों। देखिए अब देखिए दोस्तों, सभी पेज में एक साथ रिजल्ट का टैब खुल चुका है हमारे। अब बस आपको सिलेक्ट सेमेस्टर करना थर्ड और आप अपना रिजल्ट देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, सभी पेज में एक साथ चल रहा है, तो कितनी अच्छी बात है दोस्तों। यहाँ पर आप लोग ऐसे ही अपना रिजल्ट देख पाएंगे, सिंपल सा प्रोसेस है। अब बात आई थिंक आपको समझ में आ गई होगी कि आप कैसे रिजल्ट देख सकते हैं। बस देखिए, एक साथ हम 5 रिजल्ट अब देख सकते हैं। अगर आपने हमें रोल नंबर भेजा होता तो हम देख देते हैं, लेकिन चलिए ठीक है, हमने आपको लाइव टेस्ट करके दिखा दिया कि वेबसाइट अब चल रही है, कोई दिक्कत नहीं है, खाली थोड़ा सा कोशिश करते रहना है। ठीक है ना, तो चलिए दोस्तों आप कोशिश करते रहिए और अपना रिजल्ट सबसे पहले। तो दोस्तों जैसा कि आपने देखा कि वेबसाइट बढ़िया चल रही है, तो मतलब आप लोग अपना रिजल्ट देख सकते हैं। बस यही है, प्रयास आपको बार बार करते रहना है, एक बार में आपको सफलता नहीं मिलेगी। अब दोस्तों बात आ जाती है अब आगे की तैयारी कैसे करें। जी हाँ दोस्तों, अब रिजल्ट डाउनलोड हो जाता है, आप लोग पास हो जाते हैं, तो अब क्या करना क्या है। देखिए मेन आपका आ गया, आप सीटेट और यूपीटेट। अब दोस्तों बहुत कंफ्यूजन में है बच्चे की, यार तैयारी हम किसकी कर पाए। देखिए एक ही टाइम में आप दो दो तैयारी कर रहे हैं, अच्छी बात है दोस्तों, लेकिन आपका मेन फोकस किस पर होना चाहिए दोस्तों। देखिए सबसे अच्छे अगर हम बात करें, अगर फोकस की बात करें, तो सबसे अच्छा फोकस अगर दोस्तों आपको रखना है तो आप सीटेट पर रखिए। देखिए सीटेट से आपको फायदे ज्यादा मिलते हैं। पहली बात, इसका जो रिजल्ट ये सब आता है वो बहुत सही आता है, इसमें कोई दिक्कतें नहीं आती दोस्तों। और यूपीटेट में कम से कम नहीं तो 10 से 15 केसेस हर बार हो जाते हैं। पिछली बार भी दोस्तों ये मामला कोर्ट में चला गया था, तो यूपीटेट में दोस्तों मुश्किलें सामने आती है, लेकिन सीटेट में कुछ नहीं होता है। आप लोग पेपर देंगे, अच्छे स्कोर आ गए तो बहुत ही अच्छी बात है। और दोस्तों जो सीटेट का आपका रिजल्ट वैलिड होता है वो पूरे देश भर में होता है, और यूपीटेट का जो रिजल्ट हमारे लिए होता है वो सिर्फ उत्तर प्रदेश में उसका हम यूज कर पाएंगे। तो मतलब साफ है दोस्तों, अगर आपको देश भर में कोई रिजल्ट के साथ सारी नौकरी चाहिए तो वो सीटेट हो सकता है, लेकिन यूपीटेट नहीं। तो सिंपल सी बात है दोस्तों, अगर आप लोग सीटेट में ज्यादा फोकस करेंगे तो आपका कैरियर और अच्छा हो सकता है। और यूपीटेट भी दोस्तों अच्छी बात है, लेकिन उतना फायदेमंद नहीं रहने वाला, क्योंकि देखिए अभी कोई वैकेंसी तो आने वाली है नहीं। लेकिन एक बात और है दोस्तों कि अब यूपीटेट साल में आपका 1 बार होता है और सीटेट आपका साल में 2 बार होता है। तो आपको दोस्तों चॉइस करना है कि आपको क्या तैयारी करनी चाहिए अच्छी।
और दोनों का सिलेबस आपको देखना है। देखिए कोई भी चीज पढ़ने से पहले सबसे पहले आप उनके सिलेबस पर एक नजर डाला करिए। सिलेबस के आधार पर ही दोस्तों जब आप पढ़ाई करेंगे तभी दोस्तों आप लोग अच्छा स्कोर कर पाएंगे। नहीं तो होता क्या है, आप लोग बुक्स ले आते दो चार और आपको लगता है कि नहीं इतने में काम हो जाएगा, लेकिन आप कोशिश करिए। देखिए बुक से सभी बच्चे यही बोलते हैं कि सर बुक से ज्यादा सस्ता नहीं है, तो बुक में भी दोस्तों आप लोग को सिर्फ इम्पोर्टेंट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो लगे उन्हीं को आप पढ़ा करिए। नहीं तो बुक से बहुत ही कम आपका सीटेट हो या यूपीटेट हो उसमें आता है। और आप लोग जो यूट्यूब की वीडियोस रहती है उससे सहारा ले सकते हैं, क्योंकि वहां पर जो टीचर्स होते हैं यूट्यूब वाले वो भाई करते क्या है ना, जितने भी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं उन्हीं की वीडियो अधिकतर यूट्यूब चैनल बनाते हैं, तो उससे अगर आप लोग पढ़ेंगे तो आपको ज्यादा फायदा मिलेगा। दोस्तों हम भी आपको पूरा यूपीटेट और सीटेट कवर करा देंगे, इसके लिए आपको परेशान नहीं होना है। बस हम लोग भी वेट कर रहे थे रिजल्ट आए जल्दी आप लोगों का, उसके बाद शुरू करते हैं क्लासेस। जी हाँ दोस्तों रेगुलर क्लासेस होंगी, मैथ के एक क्वेश्चन दोस्तों आपको बताए जाएंगे। मैथमेटिक्स हमारे चैनल के अलावा कहीं से भी एक क्वेश्चन नहीं आने वाला, सारे क्वेश्चन सारे मतलब मेथड्स आपको समझा दिए जाएंगे बिल्कुल बेसिक से। मेन बात क्या होता है दोस्तों, अगर आप लोग कोचिंग जाते हैं तो वहाँ बेसिक नहीं बताते हैं, वहाँ 50 लड़के होते हैं और आप लोग को पूछने में भी थोड़ा डर लगता है कि यार शर्माती या बताओ क्या पूछे, सिंपल सी बात है। लेकिन यूट्यूब में आपको ऐसा कोई डर नहीं होता, जो मन करे आप लोग कमेंट करते हैं आप उसका रिप्लाई पाते हैं। और दोस्तों फिलहाल हम आपको कमेंट करने का मौका ही नहीं देते, बिल्कुल बेसिक समझा ही देते हैं कि हम ये तक भी बता देते हैं कि 2 गुणे 2 किए तभी वहां हमारा 4 आया था। तो हमें दोस्तों कुछ भी जल्दबाजी नहीं करनी होती, वीडियो बनाते हैं तो हम सोचते हैं कि एक वीडियो से आपका अधिक से अधिक भला हो, नहीं तो हम भी दोस्तों चाहे तो एक 10 मिनट की वीडियो बनाए। देखिए होता क्या, कुछ यूट्यूब चैनल होते हैं जो 10 10 मिनट की 10 वीडियो बनाते हैं, और दोस्तों हमारा मेन टारगेट होता है कि हम 100 मिनट की एक वीडियो बनाए। इससे फायदा ये होता है दोस्तों कि आप लोग बार बार 10 वीडियो को अलग अलग सर्च नहीं करना पड़ता, आप एक ही वीडियो से पूरा सीख लेते हैं। वो दोस्तों हमारा कुछ ज्यादा सही लगता है कि बच्चे लोग परेशान ना हो जाना। तो दोस्तों फिलहाल जो आपकी नई शिक्षक भर्ती आने की उम्मीद लग रही है वो अगले साल आएगी, ठीक है, नेक्स्ट ईयर 2020 में। फिलहाल दोस्तों 2019 में कोई भर्ती नहीं आ रही है, तो आप लोग को बिल्कुल परेशान नहीं होना है कि चलो नई शिक्षक भर्ती आ रही है। और एक बात और, जिन बच्चों की बैक लग गई, अगर आपकी बैक आती है एक सब्जेक्ट में दो दो में, तो आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना दोस्तों, ये बिल्कुल नॉर्मल है, बैक सबकी आती रहती है। और बैक को लेकर अगर आप परेशान हो रहे हैं तो इसका कोई मतलब ही नहीं यार, क्योंकि कोई नौकरी आने वाली नहीं है तो आप परेशान क्यों हो रहे हैं। परेशान तो तब हुआ जाता है ना जब कोई शिक्षक भर्ती आ चुकी होती है और आपकी बैक आती है तो आप लोग परेशान होते हैं, लेकिन अभी तो कोई नौकरी नहीं आ रही है तो बैक आने से कोई ज्यादा आपको फर्क नहीं पड़ना चाहिए, ठीक है, नॉर्मल चीज है। उसके बाद अगली बार आपको और कोशिश करना है उस सब्जेक्ट में और अच्छे स्कोर करना है। देखिए हमने देखा दोस्तों कुछ बच्चों के कंप्यूटर में बैक आ रही है, मतलब ये है कि मैथ में बच्चे पास हो जाते हैं कंप्यूटर में बैक आ जाती है, अदर सब्जेक्ट्स में आती है। तो होता है क्या दोस्तों, आप लोग का बेसिक फिर से हम कहेंगे कमजोर है। फिर दूसरा सवाल दोस्तों आपके मन में खड़ा होता है कि स्कूटनी का फॉर्म डाला जाए या नहीं। देखिए दोस्तों अगर आपके बैक है 1 से 2 नंबर का तो स्कूटनी का फॉर्म अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन आपने देखा होगा पिछले वर्षों में कुछ ज्यादा फायदा होता नहीं है, पैसे ही बर्बाद होते स्कूटनी में और कुछ फायदा देखने को नहीं मिला। लेकिन हाँ होता क्या है कि सभी को भाई उम्मीद होती है कि चलो एक बार ट्राई कर लेते हैं, तो कोशिश कर लिया करिए। दोस्तों उसमें क्या होता है, नंबर कैसे बढ़ते हैं उसको भी हम आपको क्लियर करें। स्कूटी में दोस्तों फिलहाल बेसिक ये देखा जाता है कि जो आप लोग के नंबर टीचर्स ने दिए हैं जैसे हर क्वेश्चन के, वो काउंटिंग में कुछ गलती तो नहीं हुई, अगर उसमें कुछ गड़बड़ी होती है तो नंबर बढ़ा दिए जाते हैं। दोस्तों ये मत सोचिए कि कॉपी रीचेक होती है या दोस्तों ऐसा कोई क्वेश्चन जिस पर आपने टीचर एग्जामिनर चेक करना भूल गए हो तो उस पर नंबर दे दिए जाते हैं, मतलब ये नहीं किया जाता दोस्तों कि फिर से अगर किसी एग्जामिनर ने 1 नंबर दे रखा तो ये नहीं करता टीचर उसको 2 नंबर कर दे। तो ये सब बातें होती है दोस्तों जिस पर आप लोग काफी कंफ्यूजन में रहते हैं कि स्कूटनी फॉर्म कैसे भरा जाता है, क्या कर होता क्या, आखिर फॉर्म भरना तो बहुत ही आसान होता है, अगर आपकी बैक लगती तो आगे क्या करेंगे। तो ठीक है दोस्तों फिलहाल फिर मिलते हैं, तब तक आप लोग अपना रिजल्ट देखते रहिए, और हमारे हिसाब से दोस्तों आप लोग को सीटेट की तैयारी और अच्छे से करनी चाहिए जिससे आप अच्छे से अच्छा स्कोर करें। इसमें 15 नंबर की मैथ की पेडागोजी भी आती है, तो जिन बच्चों की मैथ कमजोर है फिलहाल बायो और आर्ट साइड वाले बच्चे उनके लिए तो बहुत ही अच्छा रहता है सीटेट, क्योंकि इसमें सीटेट में थोड़ा सा मैथ कम आती है तो फायदा आपको मिलता है। पेडागोजी का मतलब दोस्तों सिंपल सा होता है, उसको देखेंगे आप समझेंगे, 15 नंबर की मैथ रहेगी 15 नंबर की पेडागोजी, 15 में अगर आपने 5 तुक्का मार लिया उधर 15 सही कर लिए तो 30 में 20 नंबर मैथ में आप पा गए, तो सफिशियंट होगा दोस्तों। ठीक है चलिए दोस्तों आप लोग कोशिश करना शुरू करिए और अपना रिजल्ट पहले देख लीजिए, उसके बाद हम बात करते हैं। फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्ट।